हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मांग की लोच के प्रकारों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, ईडी कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं एक झलक कि मांग की लोच क्या होता है। तो कहता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष उसकी मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, यह हमें मांग की लोच बताता है। यानी किसी वस्तु के मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को उसके कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर मांग की लोच प्राप्त होता है। अर्थात वस्तु के मांग में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ और कीमत में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, दोनों का अनुपात कर देंगे तो हो जाएगा मांग की लोच। मांग की लोच को शॉर्ट में कहते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू बाय क्यू, मतलब मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग, बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मतलब डेल्टा पी बाय पी, यानी कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। ठीक है, ये हो गया मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ये हो गया कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसमें लगा देंगे 100 तो हो जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इसमें लगा देंगे 100 तो हो जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक्चुअली ये दोनों तो कट जाएगा, यानी लास्ट में व्यंजक यही बचेगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू बटे डेल्टा पी बाय पी। यहां ध्यान देने की बात है कि कीमत नीचे क्यों होगा और मांग ऊपर क्यों होगा। बात यह है कि किसी वस्तु कि कीमत में परिवर्तन होने के चलते उसकी मांग में परिवर्तन होता है, यानी मांग कीमत पे डिपेंड है, इसीलिए कीमत कहां हुआ, नीचे हुआ। कोई राशि जिस पे डिपेंड होता है वो नीचे होता है। हम लोग कहते हैं ना एक्स के सापेक्ष वाई का डिफ्रेंशिएशन करने पर, यानी डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष मांग में परिवर्तन होता है, इसीलिए कहते हैं मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ऊपर होगा और कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन नीचे होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मांग की लोच के प्रकारों को जानेंगे। तो कहता है कि मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है सापेक्षतः लोचदार मांग, यानी एक से अधिक लोचदार मांग। दूसरा है सापेक्षतः बेलोचदार मांग, यानी एक से कम लोचदार मांग, एक से कम। तीसरा है इकाई लोचदार मांग, मतलब एक के बराबर लोचदार मांग। चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, मतलब जीरो के बराबर लोचदार मांग। पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग, मतलब अनंत के बराबर लोचदार मांग। देखिए शॉर्ट में कहते हैं एक से अधिक लोचदार मांग, एक से कम लोचदार मांग, एक के बराबर लोचदार मांग, जीरो के बराबर लोचदार मांग, अनंत के बराबर लोचदार मांग। ये सब स्पेशल नाम है मांग की लोच के प्रकारों का। सापेक्षतः लोचदार मांग मतलब एक से अधिक लोचदार, सापेक्षतः बेलोचदार मांग मतलब एक से कम लोचदार, इकाई लोचदार मांग मतलब एक के बराबर लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मांग मतलब जीरो के बराबर लोचदार, पूर्णतः लोचदार मांग मतलब अनंत के बराबर लोचदार। ठीक है, देखिए एक बात है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के चलते मांग में जो परिवर्तन होगा उसका नाम होगा मांग की लोच। यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ, हो सके मांग में उतने परिवर्तन होगा, हो सके मांग में परिवर्तन कम होगा, हो सके मांग में कीमत से परिवर्तन अधिक हो जाएगा, हो सके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो सके कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके चलते इसका 5 प्रकार हुआ, यानी 5 बात है, अभी हम लोग उसको जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से 5 प्रकारों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सापेक्षतः लोचदार मांग। पहला क्या है, सापेक्षतः लोचदार मांग, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये कब होता है, तो कहता है जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, दोनों बात बराबर है,
कोई कहता है ना वस्तु का दाम 1 टका बढ़ गया, कोई कहता है 10% बढ़ गया, दोनों का बात बराबर है, ठीक है। कोई कहता है अनुपात के रूप में, कोई कहता है प्रतिशत के रूप में। यानी जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो जाता है तब मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होता है, जिसे सापेक्षत्व लोचदार मांग कहते हैं। यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाएगा। देखिए ये है मांग में अनुपातिक परिवर्तन, अधिक हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से तब मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होगा। देखिए कैसे मांग की लोच बराबर क्या होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा P बाय P। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। क्या होता है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो गया, या तो प्रतिशत परिवर्तन बोलिए, यानी मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ऊपर में होता है, कीमत में नीचे होता है। ये अधिक हो जाएगा मतलब ये 15% मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 10%। देखिए कीमत से अधिक है मांग में, तो बोलिए तो इसका मान कितना आएगा, 1.5 आएगा, नहीं आएगा। 1.5 क्या है, 1 से अधिक है। यानी जब ये वाला अधिक हो जाएगा, ऊपर में जब अधिक हो जाएगा और नीचे जब कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक मान 1 से अधिक आएगा, 100/60 यानी 1 से अधिक आएगा, 50/45 1 से अधिक आएगा, यानी मांग की लोच हो जाएगा 1 से अधिक, डी 1 से अधिक हो जाएगा। कब, जब मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत से अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, सापेक्षत बेलोचदार मांग, यानी इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम हो गया। यहां पर क्या होता, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसके कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो जाता है तब मांग की लोच 1 से कम प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है सापेक्षत बेलोचदार मांग। यानी ये हो गया मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। यहां पर देखिए समझ में आ जाएगा, क्या बोला, मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से, मतलब कितना, 10/15। 10/15 कितना आएगा, 1 से कम आएगा, नहीं आएगा, एकदम आएगा 1 से कम, यानी 1 से कम हो गया मांग की लोच। कब हुआ, जब मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कम हो गया कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से, ठीक। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा क्या है, इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार, ठीक, ईडी बराबर 1। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन उसके कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो जाता है तब मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होता है, जिसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के। यहां देखिए, यानी मांग में जितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ कीमत में उतना अनुपातिक परिवर्तन होगा तब मांग की लोच 1 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, ये भी 10%, ये भी 10%, कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा, यानी मांग की लोच एडी बराबर 1 प्राप्त हो गया। कब हुआ, जब मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के बराबर हुआ। अब चौथा पढ़ेंगे हम, चौथा क्या है, चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी 0 के बराबर लोचदार मांग, 0 के बराबर लोचदार मांग, ठीक है। ये कब होता है, तो कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब मांग की लोच 0 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। तो बोलिएगा ऐसा कब होता है, देखिए जब किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आदत हो जाता है, जैसे किसी को कुरकुरे खाने का आदत है, किसी को खैनी खाने का आदत है, तो वस्तु का दाम घट जाएगा बढ़ जाएगा लेकिन मांग में कोई चेंज नहीं होगा, होगा, वो तो उसका आदत हो गया, वो तो खाएगा ही, चाहे दाम बढ़ जाए चाहे दाम घट जाए। यानी दाम में परिवर्तन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन मांग में कोई चेंज नहीं होगा तब कहलाएगा मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी 0 के बराबर लोचदार मांग, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
मांग में कोई अनुपातिक परिवर्तन नहीं, मतलब डेल्टा क्यू बाय क्यू ये है मांग में अनुपातिक परिवर्तन, नहीं होगा मतलब कितना जीरो। पहले भी 10 गो खरीदता था, अब भी 10 गो खरीद रहा है, मतलब कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी जीरो हो गया। अब सोच के देखिए ईडी बराबर ये होता है, कीमत में चेंज हो रहा है मतलब 10% चेंज हुआ मान के चलिए, लेकिन मांग में कोई चेंज नहीं हुआ यानी जीरो, ऊपर जीरो और नीचे कितनों है सब हीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी ईडी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा जीरो प्राप्त हो जाएगा। कब? जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई अनुपातिक परिवर्तन नहीं होता है। जिससे नहीं होता है उसको लिख लेंगे, यानी जीरो ऊपर जीरो हो जाएगा, ये कुछ भी है सब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग, अनंत के बराबर लोचदार मांग यानी पूर्णता लोचदार मांग, ईडी बराबर इन्फिनिटिव। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तब मांग की लोच अनंत प्राप्त होता है, जिसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग में परिवर्तन हो गया। जैसे मान के चलिए आइसक्रीम का दाम ठंडा में भी 10 था, गर्मी में अभी 10 है, लेकिन गर्मी में उसका डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दुर्गा पूजा के सीजन में कपड़ा का दाम मान के चलिए उतने हैं, लेकिन डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यही सब है कि दाम में कोई चेंज हुआ चाहे नहीं हुआ, जब मांग में अत्यधिक चेंज हो जाएगा तब होगा पूर्णतः लोचदार मांग यानी अनंत के बराबर लोचदार मांग। क्या बोला? कीमत में कोई चेंज नहीं मतलब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। पहले भी 100 रुपया था, अभी भी 100 रुपया है, लेकिन डिमांड चेंज हो गया। किसी का घर में शादी लग गया है, आलू का दाम 20 का पीसे है, लेकिन डिमांड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि घर में शादी लगा है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं। अब यहां देखिए ईडी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी बाय पी। मांग में चेंज हुआ है यानी मांग के चलिए मांग में 15% चेंज हो गया, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं मतलब कितना जीरो। किसी भी संख्या में जब नीचे जीरो होता है तब उसका मान इन्फिनिटी प्राप्त होता है, यानी ईडी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मांग की लोच के पांच प्रकार को देखें। देखिए पांचों प्रकार को हम लोग अभी एक झलक में देखते हैं। पहला है सापेक्षता लोचदार मांग, ठीक। दूसरा है सापेक्षता बेलोचदार मांग, ठीक। तीसरा है इकाई लोचदार मांग, ठीक। चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक। पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक। एक का सिंबल है ईडी, एक से अधिक ईडी, एक से कम ईडी, एक के बराबर ईडी बराबर जीरो, ईडी बराबर इंफिनिटी। इसका मतलब होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। इसका मतलब होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम हो जाएगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। इसका मतलब होता है मांग में जितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ कीमत में भी उतने ही अनुपातिक परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है कि मांग में कोई अनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कीमत में कोई अनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ। हो गया, ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।